कैसा होगा अगर तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हारे मोबाइल में आ जाए और सारे इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस और जितने भी इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में वो तुम अपने फोन में यूज कर पाओ, तो कितना अच्छा होगा और कितना इजी हो जाएगा। तो मैं अपने रील्स या फिर छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए बार बार आफ्टर इफेक्ट्स पे अपना टाइम नहीं बिताना पड़ेगा। तो एक ऐसा ऐप मैं आज लेकर आया हूँ जिसे तुम अपने फोन में एंड्रॉयड में यूज कर सकते हो और प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और सारी इफेक्ट्स जैसे कि मास्किंग, पेन टूल, ट्रैकिंग, ये सारी चीजें तुम अपने मोबाइल में कर पाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार बात है। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि कौन सी ऐप है, कहाँ से डाउनलोड करनी है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। और सारे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा जो कि मैंने उसमें बनाए थे अपने फोन में, और आपको यकीन नहीं होगा देख के जो इफेक्ट्स बनाने में हमको घंटों लग जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, उसको आप बस 3-4 क्लिक्स में अपने फ़ोन में कर सकते हो। इसके एंड में दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप मोबाइल में किसी भी शॉट की 3D कैमरा ट्रैकिंग कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही मतलब अलग ही लेवल है। तो ये बहुत ही ईजी है और कोई भी इसको कर सकता है जिसको एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको कुछ क्विक ट्यूटोरियल दे दूंगा कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अभी मेरा फ़ोन मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ एक क्विक ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वालिटी को इन्हांस कैसे करते हैं किसी वीडियो की। तो मैं अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो मैंने वीडियो सेलेक्ट की है इसको जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसके बाद हम अपना, अगर आपकी कुल वीडियो क्वालिटी बहुत लो है 720p में या फिर HD में, तो उसको ये 4K में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आप दूसरे AI से यूज़ करते थे वो आपका काम इसी फ़ोन के ऐप में हो जाएगा। और आप बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी एक 4K वीडियो है तो इसमें ज़्यादा इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा। बट अगर आप एक लो क्वालिटी वीडियो जैसे कि 720p या फिर HD यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे आप उसमें आप क्वालिटी में एनहांसमेंट आप देख पाएंगे ठीक से। अब हम देखते हैं कि आप वेलोसिटी एडिट कैसे कर सकते हैं, और ये इसमें कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप टिकटॉक्स में और या फिर रील्स में देखते हैं कि इस तरीके के इफेक्ट्स जिसको आफ्टर इफेक्ट्स में बनाने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत देर लगती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास्किंग करनी पड़ती है, वो चीज़ें आप इसमें बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये पेन टूल है जिसको आप पेन टूल से आप मास्किंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बस रफली आपको करके दिखा रहा हूँ, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप मतलब ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में करते हो। तो अभी हम यहाँ पर इसका स्कैटर इफेक्ट यूज़ करके देखते हैं कि स्कैटर इफेक्ट कैसा काम करता है। अभी मैं अपना कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी एक इफेक्ट बना के दिखा रहा है जो कि इस तरीके से दिख रहा है, बट ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। कुछ स्मोक वगैरह भी है यहाँ पर, तो स्मोक ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा और वैसे वैसे इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब जो विंड का डायरेक्शन इसमें बदल जाएगा। ये स्मोक थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अब यह है कि जिस तरीके से मैंने इसमें अपने आप को सेलेक्ट कर रखा है उसी तरीके से स्मोक भी रिएक्ट कर रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, मैं अभी बस आपको ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वेलोसिटी एडिट कैसे कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। तो अगर यहाँ मैं वेलोसिटी एडिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक वीडियो है जो कि इसमें ऑलरेडी ट्रायल के लिए दे रखी है। तो आप इसमें कोई सी भी अपनी वीडियो यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप अपने डांस की, किसी के डांस की वीडियो या फिर जो भी आप डालना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, ये जो मोहतरमा है, ये डांस कर रही हैं, और इस पर हम वेलोसिटी एडिट करके देखते हैं, जो कि आप देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स में की फ्रेम करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें हम देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी हम यहाँ पर जैसे ही राइट पर क्लिक करेंगे, और ऑलरेडी बीट्स के हिसाब से उसने खुद से पूरा वेलोसिटी एडिट बना दिया है। आप यहाँ पे की फ्रेम्स देख सकते हैं कि पूरी वीडियो में की फ्रेम्स हैं, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और बाकी नीचे कुछ प्रीसेट्स हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, वेलोसिटी एडिट के साथ अब मैं जूम इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट करूँगा तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा बिल्कुल, और अगर मैं ब्लिंक क्लिक करूँगा तो ये ब्लिंक होने लगेगा। और इसमें एक प्रो फीचर भी है जिसका नाम है ब्लर। ओके, तो ये ब्लर इफेक्ट है जो कि एक प्रो यानी कि प्रीमियम फीचर है, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। बट हम अभी फ्री वाले वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको सारे फ्री वाले इफेक्ट्स ही दिखाऊंगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इसको नहीं ख़रीदेंगे, जाहिर सी बात है। अब हम एक मूविंग फ़ोटो ट्राई करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि आप मूविंग फ़ोटो
कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम एक फ़ोटो ले लेते हैं अपना, और मैं इस फ़ोटो में मेरे हाथ में सैंड है और मेरे चारों तरफ भी सैंड है लेकिन काफ़ी ब्लर्ड है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको, ये जो सैंड है इसको थोड़ा ऐसे दिखाऊँ कि ये पानी की तरफ बह रही है। तो मैं अगर पाथ पे क्लिक करूँगा और मैं ऐसे पाथ बनाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। और अगर मैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो उसके साथ साथ मैं भी मूव हो रहा हूँ, मैं वो चीज़ नहीं चाहता। तो मैं एंकर पे क्लिक करूँगा और अपने ऊपर एंकर्स लगा दूँगा। ठीक है, अपने हाथ पे जो जो पार्ट मुझे मूव नहीं करना है मैं उस पर कर दूँगा। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो जो सैंड है सिर्फ वो मूव हो रही है, मैं मूव नहीं हो रहा हूँ। आप मेरे पीछे, जो मेरा पीछे वाला हाथ है, सॉरी पीछे वाला हाथ नहीं, मेरे से दूसरा वाला हाथ है, वहाँ पर मैं एक एंकर लगा देता हूँ ताकि वहाँ मेरा हाथ ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं इसमें, आप उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी स्पीड से। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम इस देखते हैं कि हम अपने वीडियो में ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर ये इतने सारे मुझे ट्रैकिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना है कि अपने कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स को, जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और क्रिएट सॉलिड कर देते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर भी क्रिएट सॉलिड कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ टेक्स्ट डाल रखा है ऑलरेडी वीडियो में तो वो टेक्स्ट आपका ट्रैक हो जाएगा बिल्कुल जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। और मैं इसको यहाँ मूव भी कर पा रहा हूँ अपने टेक्स्ट को, छोटा मतलब इसको जी डायमेंशन में भी मूव कर पा रहा हूँ, और एक्स वाई जी मतलब पूरा 3D है, एक्स वाई जी तीनों डायमेंशन में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को वॉल पे लगा दूँ इधर, तो ये शायद बहुत अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। हाँ, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा मूव करके देखता हूँ जी। तो मतलब आप देख सकते हैं कि, तो मतलब मोशन निंजा एक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप इतने सारे इफेक्ट्स अपने फ़ोन में कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। अगर आपको एडिटिंग नहीं भी आती है तब भी इसको समझना इतना ईजी है कि ये कोई बच्चा भी कर लेगा। अगर आप कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करिए, बट अगर आप अपने वीडियोस बनाते हैं या फिर ऐसी एडिट्स बनाते हैं रील्स के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए, तो फिर ये एक बहुत अच्छा ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।